हाय दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो पर। दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ कि बॉल को देखने के लिए जो सबसे बेस्ट स्टांस है वो कौन सा है, ठीक है। तो गाइस ये अक्रॉस यूट्यूब में बता सकता हूँ, पूरे यूट्यूब में कहीं पर नहीं बताया गया होगा ऐसा स्टांस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए पूरा लास्ट तक, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं इस बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। रेड वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, उसके बगल में जो घंटियों से बजा लीजिए और मेरे वीडियो का मजा लीजिए। तो नॉर्मली गाइस यहाँ पर मैंने लास्ट में शाउट आउट भी दिया है, तो आपका नाम भी हो सकता है यार, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो गाइस ये देखिए, मैं बहुत लोग स्टांस के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो स्टांस के बारे में बात करने वाला हूँ वो ऐसा स्टांस होगा जहाँ से आपको बॉल बहुत बढ़िया तरीके से दिखेगा और आप बॉल का लाइन लेंथ बहुत जल्दी से जज कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जानते हैं कौन सा वो स्टांस है। तो गाइस मैंने यहाँ पर ये इसको आप थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। तो नॉर्मली गाइस वो जो स्टांस है वो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले क्या करना है आपको, बॉलर की हाइट देखनी है, ठीक है। बॉलर की आपको हाइट देखनी है, ये बहुत बड़ा कमाल का ट्रिक है। तो बॉलर की आपको हाइट देखनी है, अगर बॉलर आपसे बहुत ज़्यादा लंबा है, ठीक है, मान लीजिए वो कम से कम 6 फीट है, ठीक है, 6 फीट 6.5 फीट है, तो क्या करना है आपको, बहुत ज़्यादा झुक के नहीं रहना, थोड़ा सा आपको इस तरीके से थोड़ा खड़ा रहना, ठीक है, और थोड़ा सा आपको खड़ा रहना, ठीक है, इतना थोड़ा सा आप खड़ा रह सकते हो। लेकिन गाइज अगर वो बॉलर थोड़ा सा छोटा है, हाइट में छोटा है, जैसे मलिंगा की तरह, तो और सीओ मावी जैसे आप जानते होंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा झुक सकते हो, इतना आप आईज को जितना आप लेवल करोगे उतना फ़ायदा आपके लिए होगा। तो यहाँ से आप थोड़ा सा और झुक के एडजस्ट करके इतना झुक सकते हो, ठीक है। तो गाइज ये बहुत कमाल का ट्रिक है, आप इसे जरूर अप्लाई कीजिए। अब गाइज आप समझ चुके हो कैसा आपको रहना है बॉलर के हाइट के हिसाब से, और गाइज मतलब कि बॉल जहां से छूट रही है, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि बॉल जहां से छूट रही है आपको उस बॉलर का आर्म देखना है कि क्या वो ऐसे फेंकता है थोड़ा सा या फिर पूरा ऐसे फेंकता है। अगर वो पूरा ऐसे फेंकता है तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से रहना है, और अगर वो पूरा मतलब साइड आर्म फेंकता है तो थोड़ा सा आप झुक सकते हो, इस तरीके से झुक सकते हो कि आपके आईज पूरा लेवल होना चाहिए। तो गाइज यही यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए स्टांस आपको सिंपल यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से दोनों पैर इस तरीके से रहना चाहिए। और गाइज जब आप रहते हो तो दो तरीके का स्टांस हो जाता है, एक तो होता है ये वाला और एक होता है ये वाला, ठीक है। तो प्रॉपरली मैं बताऊँ तो जो टेक्निक के हिसाब से जो सही है वो तो यही है, क्योंकि आप इस तरीके से रहते हो, लेकिन थोड़ा अगर आप फ्रंट फुट को एडजस्ट करके पीछे ले आते हो तो आपको जो लेग साइड का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो बनता नहीं है। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि ये जो फ्रंट फुट का लेग है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इस तरीके से खड़े हो जाइए, और बॉल को जितना आप झुक के रहते हो, जितना स्टेडी रखोगे स्टांस में, उतना बढ़िया तरीके से बॉल को देख पाओगे और जज कर पाओगे। तो यहाँ पर गाइज इतना ही वीडियो था कि कैसे आपको खड़ा रहना है, समझ सकते हो आप हाइट के हिसाब से, अगर बॉल का हाइट ज़्यादा तो थोड़ा सा बेंड नहीं होना ज़्यादा, अगर बॉलर का हाइट कम है तो थोड़ा ज़्यादा बैंड होना और देखना है, ठीक है। तो बस गाइज यहाँ पर ये इतना वीडियो था, और मैं जिस लोग शाउट आउट दे रहा हूँ उनका नाम है निशांत कुमार, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जरूर रिप्लाई कीजिएगा। तो बस गाइज इतना ही वीडियो था, अगर वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।